छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में बदलाव न्याय यात्रा की वजह से अटक गया। अब कांग्रेस की बैठकों और नए समीकरणों की वजह से एक बार फिर नियुक्तियों में लेट लतीफी की स्थिति बनती नजर आ रही है। आखिर कहां अटका है टीम बैच का मामला, क्यों न्याय यात्रा ने बदला नियुक्तियों का समीकरण, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तो जुलाई अगस्त से ही चल रही है, लेकिन लगातार किसी न किसी वजह से नई नियुक्तियों पर ग्रहण लगता रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अगस्त के अंत तक सारी नियुक्तियां कर लेने का दावा किया था। इसी बीच एआईसीसी में हुए बदलाव ने छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित किया। दो नए प्रभारी सचिवों की नियुक्तियां की गई। इसके बाद न्याय यात्रा की वजह से बैज की टीम का काम अटक गया। अब न्याय यात्रा में उभरे नए समीकरण और तीन प्रभारी सचिवों की मैराथन बैठकों की वजह से बैच की टीम का विस्तार अटकता नजर आ रहा है। दरअसल अब तक पीसीसी चीफ से मिलकर सभी वरिष्ठ नेताओं ने नामों का सुझाव दिया था। इस बीच प्रभारी सचिवों ने अपने प्रभार जिलों में बैठक भी ली थी, लेकिन अब प्रभारी सचिवों को मिले फीडबैक और पीसीसी चीफ की सूची में मिलान किए जाने के बाद ही नियुक्ति की बात की जा रही है। खासतौर पर जिला अध्यक्षों के पद पर कई नए नाम सामने आए हैं। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्याय यात्रा के माध्यम से भी कांग्रेस नेताओं के कामकाज का आकलन किया है। ऐसे में अब नेताओं के सिफारिशी नामों की जगह बैज का साथ देने वालों को जगह मिल सकती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कुछ वक्त लग सकता है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज जल्द ही नई नियुक्तियों की बात कहते भी नजर आ रहे हैं। न्याय यात्रा का जो असर है संगठन में, उसका असर भी दिखेगा। जिस तरह न्याय यात्रा में सक्रिय हमारे नेता और कार्यकर्ता रहे, उसका असर भी कहीं ना कहीं संगठन में दिखेगा। इस महीने के अंत तक जो भी संगठन में आंशिक फेरबदल करना है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और संभवतः इस महीने तक नई कार्यकारिणी हमारे दिखेगा, ये पूरी हमको उम्मीद है। बैच की नई टीम में जगह पाने प्रदेश भर में कार्यकर्ता जोड़ तोड़ में जुटे हैं। ऐसे में किसे जगह मिलेगी और कौन बाहर होगा, ये तो कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन न्याय यात्रा और नए प्रभारियों की नियुक्ति के बाद उभरे समीकरण ने फिलहाल बैच की टीम की नियुक्ति की प्रक्रिया को जटिल जरूर बना दिया है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।